नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप ट्रेनों के जरिए कहीं सफ़र करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए रेल मंत्रालय की तरफ से राहत भरी खबर सामने आई है। जी हाँ, 1 जून से रेलवे ने लगभग 200 ट्रेनें जो हैं वो चलाने का फैसला ले लिया है। इन ट्रेनों के लिए बुकिंग जो है वो IRCTC की वेबसाइट या फिर उनकी जो ऐप होती है उसी से बुक की जा सकती हैं। इसके अलावा जिन यात्रियों के पास पहले से बुक की हुई टिकट नहीं होगी उन्हें ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खुलासा हुआ है कि रेलवे ने ये ट्रेनें जो हैं वो चलाने का फैसला लिया है और 1 जून से लगभग 200 ट्रेनें जो हैं वो पटरियों पर दौड़ती हुई नज़र आएंगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सफ़र करने वाले जो यात्री हैं जो एक से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं और कोरोना काल में अपने घर अपने परिवार से दूर फंसे हुए हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर ये जरूर है। कोरोना काल में देश धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है और पटरी पर एक बार फिर ट्रेनें जो हैं वो सरपट दौड़ती हुई नजर आएंगी। 200 ट्रेनों में कौन कौन सी ट्रेनें शामिल हैं उनकी सूची इस समय हम आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और एक्सक्लूसिव ये जो लिस्ट है वो अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक लेकर पहुँचा है कि रेलवे ने जो 200 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है उनमें कौन कौन सी ट्रेनें शामिल हैं। हम आपको एक बार बता दें कि लंबी दूरी की भी काफ़ी ट्रेनें हैं जो इस लिस्ट में शामिल की गई हैं और पंजाब से चलकर देश के अन्य कोनों में जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। तो कहीं ना कहीं देश को एक दूसरे राज्यों से जोड़ने की जो एक कहीं ना कहीं कोरोना काल में कवायद शुरू की गई है, देश की रफ्तार को दोबारा गति देने की जो कवायद शुरू की गई है उसके अनुसार रेलवे ने अब यह फैसला लिया है कि पटरियों पर दोबारा ट्रेनें दौड़ाई जाएंगी। और एक बार फिर मैं आपको जानकारी दे दूं कि रेलवे ने 200 ट्रेनें जो हैं वो चलाने का फैसला लिया है। वहीं इसमें पूरी खबर में ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि पहले रेलवे ने ये ऐलान किया था कि ये ट्रेनें सिर्फ नॉन एसी होंगी, लेकिन जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार इन ट्रेनों में एसी कोच भी जो हैं वो भी मुहैया करवाए गए हैं। क्या कुछ रेलवे रूपरेखा इसकी तैयार करेगा उस पर फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन आज सुबह 10 बजे से IRCTC की वेबसाइट पर इन ट्रेनों की जो बुकिंग है वो शुरू हो गई है। और बुकिंग क्यों आनी जरूरी है वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ट्रेन की बुकिंग नहीं है, कंफर्म टिकट नहीं है, तो आपको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में इन सभी पहलुओं पर जो है रेलवे मंत्रालय की और रेलवे जो विभाग है उसकी पैनी नज़र है। बिना किसी भी टिकट बुकिंग के किसी को भी ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको अगर ट्रेन में सफ़र करना है तो उससे पहले आपके पास बुकिंग और कन्फर्म सीट होनी ज़रूरी है। तो ये इस वक्त की देश से जुड़ी हुई काफ़ी अहम खबर थी जो अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ एक्सक्लूसिव आपको दे रहा था कि 200 ट्रेनें जो हैं वो दोबारा पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। हम इसी तरह अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।